नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि देवी माँ की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार की सुबह सबसे पहले एशियाई बाजार आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे जो कि आज के लिए आपके लिए जानना काफी अहम है। 17,764 के स्तरों पर फिलहाल 136 अंकों की बढ़त के साथ एसडीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देख पाएंगे। डाउ फ्यूचर्स में आप देखिए 110 अंकों की तेजी फिलहाल और निक्केई में भी 300 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। इस बीच कल अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अच्छी रिकवरी कल अमेरिकी बाजार ने निचले स्तरों से दिखाई। निक्केई यहां पर डाउ की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां पर 102 अंकों की बढ़त। एसएनपी और नैसडैक में भी तेजी के साथ ही हमने आधे आधे प्रतिशत की बढ़त पर कामकाज देखा। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत यहां पर दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन विस्तार से क्या कुछ अहम है जिस पर हमें नजर रखनी है, विदेशी बाजार में कौन सी खबरें हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। विदेशी बाजार आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, हमेशा हमारे सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और त्योहार का दिन है तो फिर मार्केट्स भी सेलिब्रेट करने के मूड में रही हैं एकदम, और आप देख भी रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स भी एकदम सेलिब्रेशन के मूड में हैं। बहुत बढ़िया सुधार हमने आते हुए देखा है, मूड में काफी अच्छा सुधार आप देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 125 अंक ऊपर दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और कल शाम ग्लोबल मार्केट्स में एक जबरदस्त रिकवरी आते हुए देखी। एक्चुअली शुरुआत काफी खराब रही, काफी वॉलेटाइल सेशन रहा यूएस में, पर उसके बाद दिन के निचले स्तर से आपने बढ़िया रिकवरी भी देखी। डाउ करीब 100 अंक ऊपर बंद हुआ, पर अगर आप दिन के निचले स्तर से डाउ को देखेंगे तो करीब 560 अंक रिकवर होकर दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा है। तो एक बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिखा। S&P 500 और नैसडैक में भी अच्छा रिवर्सल रहा और करीब 0.5% ऊपर ये बंद होते हुए दिखे। हालांकि स्मॉल कैप्स में अभी भी कमजोरी है, करीब 0.5% नीचे था रसल 2000। बॉन्ड यील्ड इनकी 1.5% के आसपास, 1.54% के आसपास स्टेबल है इस समय। क्या थी इस बड़ी रिकवरी की वजह? जो यूएस की डेट सीलिंग है, कर्ज सीमा है, जो कि एक चिंता बनी हुई है कुछ समय से बाजार के लिए, उस पर थोड़ी आंशिक राहत आती हुई दिखी है। जो विपक्ष पार्टी है रिपब्लिकन्स, उन्होंने कहा है कि कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए इस समय वो किसी तरह कोई छोटे तरह का समर्थन देने के लिए तैयार है। तो यानी कि दिसंबर तक जो ये नई डेडलाइन है कर्ज सीमा की, उस पर पूरा सपोर्ट आ गया है विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का। तो वहां से फिर हमने देखा कि जब ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखा, वहां से बाजार में फिर एक अच्छी रिकवरी आई और हम तेजी देख रहे थे। आईटी स्टॉक सबसे आगे थे क्योंकि यहीं पर पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा प्रेशर था, तो आईटी स्टॉक्स में दमदार खरीदारी होती थी, स्पेशली जो सारे के सारे दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं, अमेजॉन, अल्फाबेट, एप्पल जैसे काउंटर्स, और वहां से बाजार को सहारा मिला। इकॉनमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स में खरीदारी थी, कुछ सेक्टर्स में बिकवाली थी, तो थोड़ा मिला जुला प्रदर्शन रहा। पर प्राइवेट पेरोल डेटा भी कल आते हुए दिखा, जो प्राइवेट कंपनीज की हायरिंग का डेटा होता है, वो भी अनुमान से बेहतर रहा, और अब कल जो अगस्त महीने के जॉब्स, सॉरी सितंबर महीने का जॉब्स डेटा आएगा, उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। तो उससे पहले यूएस का मूड माहौल काफी सुधरते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार इस अनाउंसमेंट के पहले ही बंद हो गए थे, इसलिए वहां पर हमने कल देखा कि करीब 1-1.5% की गिरावट आपको दिखी। कच्चे तेल पर नजर रखिए, थोड़ी राहत आती हुई दिख रही है, करीब 2% की गिरावट आपने कच्चे तेल में आती हुई दिखी है, क्योंकि अमेरिकन भंडार जो है वहां पर अनुमान से ज्यादा आपने बढ़त देखी है, तो यहां से आपको थोड़ी राहत कच्चे तेल पर दिखी है। ब्रेंट $81 के करीब आते हुए दिखा है। नेचुरल गैस के दामों में भी आपने थोड़ी राहत देखी है, क्योंकि कल एक बार फिर से हम देख रहे थे बड़ा उछाल था यूरोप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो 40% तक का आपने उछाल देखा, पर वहां से कुछ कूल ऑफ हुए हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप को जो गैस सप्लाई जाता है उसको वो बढ़ाने के लिए तैयार है, या इस समय मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है, और रशिया यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। तो उनके इस कमेंट्स के बाद हमने देखा कि नेचुरल गैस के दामों में थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। सोना अभी भी दायरे में है और डॉलर की मजबूती कायम है, तो थोड़ा कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है, और जो रिपब्लिकन पार्टी के कमेंट्स आए हैं उससे यूएस मार्केट्स में एक अच्छा सुधार आपने कल देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो यहां पर रिपब्लिकन पार्टी के कमेंट्स का असर हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में, और साथ ही यहां पर कमोडिटी मार्केट्स कूल ऑफ होते हुए एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, चलिए आपको ये बता देते हैं। FIIs DIIs का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की है, वायदा बाजार में FIIs ने बिकवाली की है, और साथ ही कैश मार्केट में DIIs के भी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं।
कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 803 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में 758 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 999 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। विदेशी बाजार के संकेत जो कि मजबूत हैं, फंड एक्शन जहां पर बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ अहम है? भारतीय बाजार की तस्वीर आज सुबह कैसी दिखेगी और पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे? चलिए आपको वो बताते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको, और विदेशी बाजार सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर फेस्टिवल सीजन इंडिया का, और साथ ही हम देख रहे हैं अच्छे संकेत यहाँ से आते हुए। फंड एक्शन जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं, और साथ ही बाकी कौन से ट्रिगर्स हैं सर जिसको आज सुबह फोकस में रखना चाहिए और आज के लिए फिर पहली रणनीति हम क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी, आपको भी और पूरी टीम, हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये उत्सव सबके घरों में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, यही शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट्स के जो संकेत है वो उम्मीद से कहीं बेहतर है। कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो कहीं दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह की शानदार रिकवरी होगी। निचले स्तरों से अमेरिकी बाजार 500 पॉइंट से ज्यादा डाउ पर रिकवर होकर बंद हुए हरे निशान में, मतलब गजब की रिकवरी आई है। और कल भारतीय बाजारों के लिए दो अच्छी बात हुई है। पहला तो ये, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे से सीधा ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे के आसपास आप आ गए, यानी कि एक बढ़िया करेक्शन इंट्राडे में ही हो गया। दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट एक इंडिकेटर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से जिसे मैं देखता हूँ, फुटकॉल रेशो, वो घटकर 0.84 पर आ गया, जो कि ओवरसोल्ड लेवल पर है। और उसके बीच में ये जो रिकवरी आती थी, तो इन तीनों फैक्टर के चलते, और आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो पूरी तरह से एक जबरदस्त शॉर्ट रिकवरी की एक संभावना बनती है। अब जो सपोर्ट है निफ्टी पर मानसी, वो जहां हम बंद हुए इसके बेहद करीब 17575, 17625, और ऊपरी स्तरों पर 17,750 से लेकर 17,825 तक की रिकवरी की तैयारी की हो सकती है। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के बेहद करीब बंद हुआ है, 37,300 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर हल्की कुछ आपको रुकावट दिखेगी और सपोर्ट भी। ऊपरी स्तरों पर 37,775 से लेकर 37,950, ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, कम गैप के साथ खुले, फ्लैट खुले, अगर ऐसा हो जाए तो खरीदारी के मौके होंगे। बहुत ज्यादा गैप से खुले तो फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। तो मेरा ये समझना है कि अगर 17,700 के नीचे तक खुलते हैं तो वहां तक तो खरीदारी के मौके हैं, उसके ऊपर खुलने पर देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल अनिल सर, विस्तार से आज के लिए पहली रणनीति हमें समझाने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर अच्छा ट्रेड दिखेगा, संभावनाएं यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही हैं, और ट्रेडिंग रेंज की अगर आप बात करें यहाँ पर 17,575 से 17,625, इस दायरे को आप निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। 17,750 से 17,825 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 37,300 से 37,400, इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। वहीं 37,775 से 37,950 से दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। पॉजिटिविटी यहां पर बाजार में देखने को मिलेगी, और इसी के चलते आपको नजर रखनी है इंडेक्स पर और जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं उन पर। जील इन्वेस्को विवाद पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल देश के सामने अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैंने कहा है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, रेगुलेटर्स को भी संज्ञान लेना चाहिए, जो सही है वो करिए। केवल एक बात को मत पकड़िए कि एक शेयर होल्डर का अधिकार है, वो ईजीएम बुला सकता है, लेकिन क्या वो टेक ओवर कर सकता है बिना टेक ओवर कोड के शर्तों को पूरा किए? टीवी चैनल, बैंक या दूसरी ऐसी संस्था चलाने से कम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में असर करता है, लोगों के ओपिनियन बदलता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो उसके माध्यम, केवल न्यूज़ के माध्यम से नहीं। इसलिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि कोई डायरेक्टर भी आप बदलते हैं तो आपको आईएनबी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, प्रायर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और आईएनबी मिनिस्ट्री खुद नहीं देती है, वो होम मिनिस्ट्री को भेजती है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आती है, तो वो इजाजत देते हैं। ये तो कहते हैं आप कुछ मत करिए, हमको अपॉइंट करिए।
तो ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का किस्सा नहीं है जिसको इन्होंने ऐसा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। ये एक कंपनी को टेक ओवर करने का किस्सा है, एक बिजनेस को टेक ओवर करने का किस्सा है, बिना टेक ओवर कोड की कंडीशनों को, कानून को पूरा किए बिना। बार बार रिपीट करता हूं, आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्को का कोई यहाँ इंडियन पार्टनर भी है जो ऐसा चाहता है? जरूर इंडिया में कोई ना कोई तो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो कौन है मैं उसको गैस नहीं करना चाहूंगा। आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से अहम होंगे, ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, और आज के लिए फिर ट्रिगर्स से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल मानसी, तो आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम आज के खबरों वाले शेयरों की शुरुआत करते हैं जिसमें सबसे पहले ट्रिगर्स पर नजर डालिए और यहां पर एफएल इंडिया पर नजर रखिए क्योंकि यहां पर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट आज होने वाली है। स्प्लिट रेशियो जो है 1:5 का है। एशियन ग्रेनिटो का भी राइट्स इश्यू बंद होगा आज, 100 रुपए प्रति शेयर का भाव रखा गया था। एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो हर 29 शेयर पर 19 राइट्स इश्यू शेयर जो है आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स QIP के फाइनल प्राइस और साइज पर आज बोर्ड फैसला लेगा, तो यहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब आते हैं खबरों वाले शेयर पर जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नवंबर वायदा सीरीज में 8 नए FNO के स्टॉक्स शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा ही कि अक्टूबर में भी 8 स्टॉक शामिल हुए थे और इस बारी नंबर है अतुल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सो सॉल्यूशंस, GSPL, लॉरस लैब्स, SBI कार्ड्स और वर्लपूल। इनफैक्ट नजारा टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा। कल इसकी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक थी जिसका डिसीजन आ चुका है और बोर्ड ने इक्विटी शेयर द्वारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीब 315 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिसके तहत गैमनेट प्राइवेट लिमिटेड, PTE लिमिटेड और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP को शेयर अलॉट कंपनी करेगी। करीब 14.29 लाख शेयर जो है वो अलॉट किए जाएंगे 2206 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, यानी कि मौजूदा प्राइस से करीब 16% डिस्काउंट पर, और इस पैसे का उपयोग जो है कंपनी अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में लगाएगी। इनफैक्ट 6.48 लाख इक्विटी शेयर्स जो है सिमिलर प्राइस पर उन्नति मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स LLP को भी जारी किए जाएंगे। ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका इन्होंने अधिग्रहण किया था उसको लेकर भी 76.67% जो हिस्सेदारी है उसके बदले कंपनी 6.48 लाख इक्विटी शेयर जो है इशू करती हुई नजर आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट आपको नजारा टेक्नोलॉजीज पर आते हुए दिखे हैं। टाइटन के भी क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट थिक एंड फास्ट आपको तमाम बैंकों के और अब कंज्यूमर्स के भी आपको कल के सत्र में आते हुए नंबर्स देखने को मिले थे। Q2 अपडेट्स टाइटन के बेहतरीन ग्रोथ रही है, ज्वेलरी, वॉचेस एंड वेयरेबल्स और आईवेयर 70% की सालाना ग्रोथ जो है आपको इन तीनों सेगमेंट्स में इनके आते हुए नजर आई है। और स्पेसिफिकली ज्वेलरी की अगर बात करें तो Q2 में जो इनकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखी थी, तो डेफिनेटली यहां पर फोकस रहेगा। साथ ही शोभा लिमिटेड, इसके भी रियल एस्टेट ऑपरेशंस के Q2 अपडेट्स आते हुए नजर आए हैं, यहां पर भी पॉजिटिविटी दिख रही है जिसमें कुल सेल्स वैल्यू जो है कंपनी की ऑलमोस्ट 49% बढ़कर लगभग 1030 करोड़ पर ये वैल्यू आती हुई दिख रही है। कंपनी ने जो है बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम इन्होंने दर्ज किया है, तो यहाँ पर भी इस वजह से फोकस रहेगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण मंथली बिजनेस अपडेट है, ये भी पॉजिटिव है जिसमें ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो करीबन 22.5% यानी कि लगभग 23% बढ़कर 11,320 करोड़ पर आया है, और साथ ही जो कंपनी की डिसबर्समेंट्स हैं वो भी सालाना आधार पर 124% बढ़कर आती हुई दिखी है। लूपिन भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर इनकी एक दवा है ब्रेक्सीपिप्राजोल, ये दवा USFDA से इनको मंजूरी मिल गई है, ये एक जेनरिक दवा है और यहाँ पर US में इनका करीबन $125 करोड़ की सालाना सेल्स होती है। और अंत में एक बल्क डील है भारतीय एयरटेल के जो राइट्स एंटाइटलमेंट है उसको लेकर जिसमें ब्लैक रॉक इंडिया इक्विटी फंड्स मॉरिशियस ने करीब 25 लाख शेयरों की बिकवाली की है 267 रुपये 67 पैसे प्रति शेयर के भाव पर।
बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आज के ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी है, और साथ ही अब आप देखिए नतीजों के सीजन की शुरुआत बस होने ही जा रही है, उसके ठीक पहले कंपनियों के Q2 अपडेट्स भी एक एक कर आना शुरू हो चुके हैं। रियल एस्टेट की दो कंपनियां माइक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही शोभा लिमिटेड के Q2 अपडेट्स आते हुए दिखे, मजबूत अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सजाई है, चलिए देख लेते हैं। आज के जो पुट्स हैं वो दो कंपनियां हैं, एक तो JSW स्टील में देखा था कि हम थोड़े अंडर प्रेशर थे, और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो JSW में 650 की पुट, ₹27 में लें, ₹22 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें रहेगा 37। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर 4300 का पुट खरीदें, ₹177 पे आपको मिलेगा, ₹125 पे रखें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 255। ओके, तो यहाँ पर दो दमदार कॉल्स आपको मिलती हुई, ट्रेडिंग कॉल्स भी यहाँ पर हमारे पास हैं, चार ट्रेडिंग कॉल्स हैं, चारों की चार खरीदारी की। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की राय से, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 850 के टारगेट्स को यहाँ मानकर चलना है, ₹800 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज को खरीदने की राय दे रहे हैं, खरीदारी का मन अगर बनाते हैं 4700 के लक्ष्य को आप मानकर चलें, 4545 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय BML और टाटा कॉफी पर है, BML पर खरीदारी कीजिएगा 1550 के लक्ष्य के लिए, 1471 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं टाटा कॉफी 221 के टारगेट्स को मानकर चले, ₹209 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली चार ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की और दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट से इक्विटी मार्केट्स पर उनका नजरिया और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जानते हैं। बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, किन शेयरों में आज आप पैसे लगाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल जुड़ गए हैं। मुदित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, हैप्पी नवरात्रि टू यू। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आपके रिकमेंडेशन। गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड टू यू ऑल योर व्यूअर्स। बिल्कुल, देखिए निफ्टी में तो यही कहेंगे कि काफी वोलेटिलिटी बनी हुई है। निफ्टी हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि 17,700 से 800 के आसपास जब भी निफ्टी आता है वहां पर ऊपर से प्रेशर देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें 17,550 से लेकर 500 के आसपास आता है वहां पर निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलता है। ये एक ब्रॉडर रेंज मार्केट्स में बना हुआ है, लेकिन अगर हम अंडरटोन देखेंगे मार्केट का तो वो अभी भी बुलिश ही साउंड कर रहा है। कल के सेशन में निफ्टी में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को टेस्ट किया, वहां से कुछ छोटा सा पुल बैक नजर आया है। वो शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है वो 17,580 के आसपास निकल कर आता है। तो आज अगर 17,580 को अगर हमने होल्ड कर लिया तो हमें लगता है एक बार फिर निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और हो सकता है 17,800 तक की अपसाइड मूव हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले, नहीं तो फिर कल तक के मूवमेंट में तो नजर आएगी। तो यहाँ पर हम ये की चीज कहेंगे, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 17,580 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलेंगे, डिप में बाय करेंगे। पहला टारगेट निफ्टी में 17,750 का बनेगा, उसको भी निकाल पाया तो 17,800 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आएंगे। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी कल के सेशन में कुछ रिवर्सल्स नजर आए हैं, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को भी डिप में बाय करने की सलाह दे रहे हैं 37,900 और 38,000 तक के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 37,300 का। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए मुद्दत क्या रिकमेंडेशंस होंगे? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं लगातार केमिकल स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स केमिकल स्टॉक्स में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्टॉक केमिकल से ही है लेकिन उसमें अभी तक कोई बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया। चार्ट पर मुझे उस काउंटर में खोने के लिए कुछ नजर नहीं आता। मैं स्टॉक चुन रहा हूँ PI इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। बड़े टारगेट्स हैं 33 टारगेट्स के लिए PI इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3140 का। स्टॉक में लास्ट सात सेशन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बॉटम फिशिंग इस काउंटर में होती हुई नजर आ रही है, कोई बड़ा अप मूव नजर नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल की जो रैली हम देख रहे हैं अब यहां से ये स्टॉक उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा और 33-30 के टारगेट हो सकता है 1-2 दिन के अंदर देखने को मिले, बाय करेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा
कल का स्टाफ अकाउंट है बंधन बैंक, देखेंगे जहां पर हम देख रहे थे सारे बैंकों में टॉप रेट से सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन बंधन बैंक अपने हाइस्ट को होल्ड कर पाया और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड क्लोज होता हुआ नजर आया। कल एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया तेजी बंधन बैंक में बन सकती है। 312 के टारगेट्स के लिए बंधन बैंक को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 301 का। बिल्कुल मुदित जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन बताने के लिए। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, हैप्पी नवरात्रि टू यू, और सबसे पहले आज के लिए आपके जो भी रिकमेंडेशन है क्विकली आप बता दीजिए। मानजी जी, हैप्पी नवरात्रि। देखिए, कल हमने गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा ट्रेंड आते हुए देखा था, एक्सपेक्टेड है आज भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड के लिए खरीदारी की सलाह होगी 46,700 में, स्टॉप लॉस 46,450 का, टारगेट करीबन 47,300 का रहेगा। वहीं अगर हम क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड ओवरबॉट जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। कल जो इन्वेंट्री आई है वहां पर हमने स्टॉक प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि क्रूड में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इंट्राडे के लिए क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 5,850 में, स्टॉप लॉस 20 का रहेगा, टारगेट करीबन 5,750-5,750 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर कॉपर में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। कॉपर में करीबन 701 का रहेगा, 716 का देखने को मिल सकता है। और अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कल हमने रुपी में डेप्रिसिएशन होते हुए देखा था, एक्सपेक्टेड है डेप्रिसिएशन आज भी देखने को मिल सकता है। तो USD INR में 74.70 में खरीदारी करें, 74.40 का स्टॉप लॉस लगाएं, 75.30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन समय बताने के लिए। चलिए अब आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं जान लेते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, हैप्पी नवरात्रि टू यू, बताएं आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए दो रिपोर्ट्स हैं, हालांकि दोनों रिपोर्ट्स में फिलहाल तो कोई दम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टाइटन के देखिए अपडेट्स के बाद क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ाकर 2150 कर दिया। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 2146 यानी कल की क्लोजिंग के बिल्कुल करीब जो इनका टारगेट निकल कर रहा है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो काफी शानदार है, ये मान रहे कि ज्वेलरी सेगमेंट में जिस प्रकार की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है इनके अनुमान से, इनकी उम्मीद से काफी बेहतर है, तो इसके चलते एक एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज अभी फिलहाल नहीं किया। ONGC ये एक और स्टॉक है जिसमें अगर आप देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में काफी शानदार तेजी देखी जा चुकी है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और यहां पर भी सिमिलर केस है, 154 रुपए का लक्ष्य दिया है और कल की क्लोजिंग आप देखिए 168 रुपए की है। इन्होंने अपना व्यू अभी तक बदला नहीं है, लेकिन कमेंट्री आप देखिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव नजर आ रही है, हो सकता है कि आगे जाकर ये जो टारगेट प्राइस है इसे रिवाइज करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल जो टारगेट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।